ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अमेरिका दे सकता है व्यापार में भारत को बड़ी छूट, व्यापारियों के लौटेंगे अच्छे दिन। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 14,516 नए कोरोना मामले आए सामने, 375 लोगों की मौत। राजस्थान में भी कोरोना के मामलों का आंकड़ा पहुँचा 14,000 के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉकडाउन की तुलना आपातकाल से नहीं की जा सकती, हाईकोर्ट के इस आदेश पर जताई असहमति। और पीएम मोदी ने किया गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभारंभ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों और प्रवासी मजदूरों से की बातचीत। भारत का तरजीह व्यापार का दर्जा खत्म किए जाने के एक साल बाद अमेरिका फिर इसे बहाल करने पर विचार कर रहा है। इस फैसले के बाद भारत से निर्यात होने वाले करीब 48,38,000 करोड़ रुपए के उत्पादों को शुल्क से छूट मिल जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2019 में तरजीही व्यापार का दर्जा खत्म कर दिया था और भारतीय उत्पादों पर आया शुल्क लगा दिया था। जवाब में भारत ने 29 अमेरिकी उत्पादों पर भारी भरकम शुल्क लगाया था। अमेरिका के विदेश व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइथाइजर ने सदन की वित्त समिति को बताया कि अभी दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, भारत की तरफ से संतुलित प्रस्ताव मिलता है तो हम जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का दर्जा दोबारा बहाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ बड़े व्यापार सौदे पर बातचीत कर रहे हैं और संभव है कि कुछ समय बाद दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हो जाएं। पिछले साल ट्रंप ने यह कहते हुए तरजीही व्यापार का दर्जा छीन लिया था कि उनके उत्पादों को भारतीय बाजार में पर्याप्त पहुंच नहीं दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रवासी मजदूरों से बातचीत की। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले प्रधानमंत्री ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों की पराक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया है, मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि यह पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम शुभारंभ के दौरान कई प्रवासी मजदूरों से कई महत्वपूर्ण बातें की। गरीब कल्याण योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का कार्य मिलेगा। इसे देश के राज्यों के उन जिलों में संचालित किया जाएगा जिनमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से अधिक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को फिलहाल 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू किया जाएगा। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल है। अभियान में रोजगार एवं अवस्थापना सृजन के तहत 25 प्रकार के काम कराए जाएंगे। इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण सरकार की तरफ से घोषित लॉकडाउन की तुलना आपातकाल से नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर मामले में दिया गया उसका फैसला प्रतिगामी था। इसके साथ ही जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन आपातकाल की घोषणा के समान है। पीठ ने कहा, हम हाई कोर्ट के आदेश से कतई सहमत नहीं हैं। इस तरह की घोषणा से जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने एक आरोपी को जमानत देने के आदेश में यह बातें कही हैं। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा की उस दलील को स्वीकार कर लिया कि लॉकडाउन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका, सूट और अपील दायर करने की समय सीमा बढ़ाने का लिया गया निर्णय पुलिस को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत आरोप पत्र दाखिल करने पर लागू नहीं होता। पीठ ने आरोपी को तय समय सीमा 60 या 90 दिन के भीतर चार्जशीट दायर न करने के आधार पर जमानत देने का निर्णय लिया। धोखेबाज चीन ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत को जग जाहिर कर दिया। उसने गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर नया बयान जारी किया। इसमें उसने भारतीय और चीन सैनिकों के बीच हुई भिड़ंत का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान की ओर से चीनी दूतावास की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए इस ब्यौरे के साथ चीन ने गलवान घाटी पर भी अपना दावा जताया है। बता दें कि इस ताजा दावे से एक दिन पहले ही भारत ने गलवान घाटी पर चीनी सेना के संप्रभुता के दावे को खारिज कर दिया था और बीजिंग से अपनी गतिविधियां LAC के उस तरफ तक ही सीमित रखने को कहा था। भारत का कहना था कि इस तरह का बड़ा चढ़ाकर किया गया यह दावा 6 जून को हुई उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता में बनी सहमति के खिलाफ है। इससे इतर चीन के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने दावा करते हुए कहा कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी हिस्से में आता है। कई वर्षों से वहां चीनी सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 14,516 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और 375 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,95,048 हो गई है, जिनमें से 1,68,269 सक्रिय मामले हैं, 2,13,831 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 12,948 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 19 जून तक 66,16,496 नमूनों का परीक्षण किया गया। पिछले 24 घंटे में 1,89,869 नमूनों का परीक्षण किया गया। वहीं बात करें राजस्थान की तो आज सुबह 11 बजे तक 158 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। धौलपुर में 40, जयपुर में 36, भरतपुर में 34, झालावाड़ में 12, सिरोही में 11, करौली में 10, राजसमंद में 8, बीकानेर में 3 और भिलवाड़ा, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर में 1-1 पॉजिटिव मिले। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा 14,314 तक पहुंच गया है। अब तक राजस्थान में मौत का आंकड़ा 333 रहा है। वहीं आज अभी तक कोरोना से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बाद 15-16 जून की दरमियानी रात हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवानों के शहीद होने पर देश भर में गुस्सा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। उन्होंने पूछा है कि हमारे जवान क्यों मारे गए। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री ने चीनी आक्रमण के बाद भारतीय क्षेत्र को आत्मसमर्पित कर दिया। यदि भूमि चीनी थी तो हमारे सैनिक क्यों मारे गए, वे कहां मारे गए। इससे पहले शुक्रवार को भी उन्होंने मोदी सरकार पर हमला किया था। उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के एक बयान से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया था। राज्यसभा चुनाव होने के बाद अब प्रदेश की 8 अकादमियों में अध्यक्ष और सदस्य के पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों का लंबा इंतजार खत्म हो सकता है। कांग्रेस के पदाधिकारियों और नेताओं को अगले महीने राजनीतिक नियुक्तियां मिल सकती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सीएमओ के अधिकारियों ने फाइलें खंगालना भी शुरू कर दिया है। विभागों की ओर से 8 महीने पहले ही नियुक्तियों के लिए सीएमओ फाइलें भेज दी गई थी, लेकिन नियुक्तियों को लेकर सहमति नहीं बनने के कारण मामला अटक गया था। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों की राहत देख रहे हैं। प्रदेश स्तर, संभाग मुख्यालय और जिला तथा उपखंड स्तर पर विभिन्न समितियों, अकादमियों और बोर्डों में हजारों की तादाद में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं। इसके लिए कार्यकर्ता और पदाधिकारी लंबे समय से बड़े नेताओं के यहाँ हाजिरी भर रहे हैं। पार्टी स्तर पर भी कई बार इस मसले पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है और ये नियुक्तियाँ आगे खिसक जाती हैं। इससे कार्यकर्ता भी अब आजीज आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को कोरोना वायरस महामारी के एक नए और खतरनाक चरण की चेतावनी दी है, जिसमें लॉकडाउन के लागू होने के बावजूद बीमारी तेजी से फैल रही है। यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब पता चला है कि वायरस पिछले साल दिसंबर में इटली में मौजूद था। इसके कई महीनों बाद इसका पहला पुष्ट मामला सामने आया था। ठीक इसी समय चीन में वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था। वायरस की वजह से दुनिया भर में 4,54,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 8.4 मिलियन लोग इसकी चपेट में है। यह अब अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। वहीं यूरोप ने प्रतिबंधों में ढील शुरू कर दी है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि WHO का कहना है कि महामारी अभी भी एक बड़ा खतरा बनी हुई है। WHO के मुखिया टेड्रोस घेब्रेसियस ने आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दुनिया एक नए और खतरनाक चरण में है। बहुत से लोग घर पर रहने के कारण समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वायरस अभी भी तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस के लिए टीके की खोज करने में लगे हुए हैं, हालांकि अभी उन्हें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि वायुसेना लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सही जगह तैनात है। हैदराबाद के डूनीगल में वायुसेना अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वायुसेना लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और वह लद्दाख की गलवान घाटी में हमारे शूर वीरों के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगी। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सही जगह तैनात है। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और गलवान के अपने शूरवीरों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान अपनी घिनौनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है।
भारतीय सीमा में रैकी करने के मकसद से भेजे गए पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया है। हीरानगर सेक्टर के रठुआ गांव में सुबह 5 बजे के करीब इसे जवानों के द्वारा देखा गया। इसके बाद मुस्तैद जवानों ने इसे मार गिराया। आतंकियों को घुसपैठ करवाने से लेकर बीएसएफ की तैनाती पर नजर रखने के लिए इसके इस्तेमाल की आशंका है। कोरोना वायरस महामारी से विमानन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अब एयर इंडिया अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जिसके तहत उन्हें सप्ताह में कम दिन काम करना होगा। दरअसल एयर इंडिया के इस योजना के तहत पायलटों और कैबिन क्रू सदस्यों को छोड़कर स्थायी कर्मचारियों को सप्ताह में 3 दिन काम करने का विकल्प मिलेगा। अगर कर्मचारी इस विकल्प को चुनते हैं तो उन्हें 60% वेतन दिया जाएगा। इस प्लान को लेकर एयरलाइन के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना को लागू करने का सबसे बड़ा मकसद कोरोना वायरस महामारी के दौरान एयर इंडिया की नकदी प्रवाह की स्थिति को सुधारना है। अधिकारियों की तरफ से यह भी बताया गया कि जो स्थायी कर्मचारी इस विकल्प को चुनेंगे वे इस योजना को 1 साल तक के लिए अपना सकते हैं, हालांकि इसके लिए उन्हें 60% ही वेतन मिलेगा। वहीं अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जो कर्मचारी सप्ताह में कम दिन काम का विकल्प चुनेंगे वे सप्ताह के बचे बाकी दिनों में कोई दूसरा रोजगार नहीं कर सकते हैं। आज भाजपा विधायक रामलाल शर्मा का जन्मदिन है। रामलाल शर्मा ने अपने फेसबुक पोस्ट पर यह ऐलान किया है कि वे अपने जन्मदिन पर कोई भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। आज के दिन शहीदों की शहादत को नमन हेतु बूथ स्तर पर वृक्षारोपण और युवा मित्रों द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। ये वीर शहीदों की शहादत को नमन होगा। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है और यही मेरी ताकत है। आप सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मित्रों से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने बूथ पर वीर शहीदों के शहादत को याद रखते हुए वृक्ष लगाएं और देशभक्ति के नारों का उद्घोष करें। इसके अलावा युवा मित्रों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसका उपयोग कोरोना विपदा में जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाएगा। ये कार्य उन वीर शहीदों को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आज छोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कालक बांध में यमुना नदी का पानी लाने के संदर्भ में भवानी सिंह रुंडल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। इस मौके पर छोटू राम लांबा, रविंद्र कुमार यादव, राम स्वरूप लांबा, कन्हैयालाल जाखड़, मालीराम मीणा उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की अहम खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।